मैं हूँ ताजे वाला बैराज पर 150 साल पुराने और इस पर मैं चल रहा हूँ। ये लगभग डैमेज हो गया है, ख़त्म हो गया है। ये वो रास्ता है जिस पर कोई आना जाना, जिस पर सख्त मना है, लोग आते जाते नहीं है, आदेश दिया हुआ है कि इस पर न चलें। देखिए एक बार कैसे बहती थी और ये कितनी ऊंचाई है। कभी भरकर जब यमुना नदी इसमें ताजे वाला बैराज में चलती थी और इसकी भव्यता विशालता देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वहाँ से वे बचे हुए अवशेष देखिए ताजे वाला बैराज के, आधा वो टूटा हुआ, ये सब टूटे हुए हैं। और ये यहाँ पर यमुना नदी, ये बचे हुए अवशेष कहीं कहीं ताजे वाला बैराज के क्वार्टर्स के। और इधर राइट साइड में देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे ये पत्थर, ये सुरंगे, टनल्स ताजे वाला बैराज पर आज भी हैं, जैसे फर्श दे रखा है किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी मजबूती से आज भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सरिये निकले हुए हैं दोनों इस साइड। लगता है कुछ और भी, जैसे कि यहाँ पर केबल कार हुआ करती थी, ट्रोला, यहाँ झूला बोलते हैं, कि यहाँ से उधर पल्ली साइड यूपी में जाने के लिए इस पर व्यवस्था थी अंग्रेजों के समय से, जो कि अब नहीं है, ध्वस्त हो चुकी है, टूट गई है। ये इसमें पत्थर, लोहा, कारीगरी, इसकी देखकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इसी ताजे वाला बैराज के डैमेज के बिल्कुल आखिरी छोर पर आपको लेकर जा रहा हूँ। इस पर हालांकि चलना प्रशासन के द्वारा अलाउड नहीं है, आप कभी ऐसा ना करें। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये कैसा दिखता था, कैसा उस समय बना हुआ था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये देखिए, ये जाली लगाकर यहाँ बंद कर दिया गया है इसको। और ये टूटा हुआ कितना विशाल, कई हजार क्विंटल का, मुझे लगा कई सौ टन, एक पूरी किस तरीके से बैठ गई ये बिल्डिंग सी। ये बहुत ज़बरदस्त पिलर, कितने भारी भारी पत्थर वहाँ हुआ करते थे कभी, उनके निशान देखिए। यहाँ ये मछली पकड़ रहे हैं आसपास के गांव से कुछ लोग, और कुछ लोग फॉर फन सेक यहाँ नहाने, बिल्कुल एकांत में लोग यहाँ पर आए हैं। एक देखिए है। एक बिल्कुल कहाँ, एक आदमी कितनी लंबी डंडी लेकर कहाँ चुपके से आराम से मछली पकड़ रहा है। ये आसपास के गांव के लोग यहाँ पर आते हैं मछली पकड़ने वगैरह। यहाँ से देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना लोकेशन अल्टीमेट। दोस्तों वो जो आप पुल देख रहे हैं उसको यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं लांडा पुल। वो भी अंग्रेजों की बनाई हुई एक इमारत है, उत्तर प्रदेश की सीमा में वो आती है। हम इस समय हरियाणा की सीमा में खड़े हुए हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं वो भी आपको जाकर दिखाऊंगा। वो भी एक बेहतरीन कारीगरी का नमूना है, 150 साल पुराना एक शानदार पुल जो कि आज भी चल रहा है और आज भी अपनी जगह मजबूती से खड़ा हुआ है। इधर आप देखें कहीं कहीं दूर दूर इमारतें दिखती हैं, ये कुछ वहाँ पर एक सड़क भी जाती है, वो जिला सहारनपुर पड़ता है उधर। ये हम यमुनानगर में खड़े हैं और ऐसे ही पत्थर के बड़े बड़े विशाल समूह यहाँ पर हैं। पिछली बार मैं आपको आया था यहाँ पर, याद, दो साल पहले, तो मैं आपको दिखा था यहाँ पर खनन माफिया बहुत सक्रिय था, ट्रैक्टर वगैरह रेगुलर यहाँ से निकाले जा रहे थे, लेकिन प्रशासन और सरकार शायद सख्त हुई है। अब की बार हमें कोई भी ट्रैक्टर या जो बाकी और कोई वाहन जिससे रेती निकाली जाती है वो हमें यहाँ पर देखने को अब तक नहीं मिला।